सरो का नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। यूपी में बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 80 सीटें जीतने का मेगा प्लान बनाया है। बीजेपी ने इस काम में अपने सभी मंत्रियों को भी लगाया है। बीजेपी ने अपने इस कार्यक्रम को महासंपर्क अभियान का नाम दिया है। अब बीजेपी के इस अभियान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इस कदम से पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं। सपा नेता ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को बुलाना न पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश और निष्क्रिय हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतेगी, जिसको लेकर महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। वहीं पर इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर निशाना साधा है। देखिए, ट्वीट यहाँ पर किया है और निश्चित रूप से विपक्ष में है, वहाँ पर समाजवादी ट्वीट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो एक आपसी व्यवस्था है उसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जब भी चुनाव करती है तो जरूरी नहीं है कि बाहर के मंत्री को ना बुलाया जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है तमाम चुनाव होते हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी जाते हैं, डिप्टी सीएम भी जाते हैं, तमाम बड़े चेहरे भी जाते हैं, और यहाँ तक कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री वो भी जाते हैं। तो बीजेपी में हमेशा नीति चली आ रही है कि चुनाव कहीं का भी हो पर उनके जो शीर्ष जो नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, जो उनके स्टार प्रचारक हैं, वो सभी जहाँ पर जाते हैं। और अगर जनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को बुलाना जा रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है नंदिनी। सबसे महत्वपूर्ण बात है अखिलेश यादव हैं यह ट्वीट कर रहे हैं, पर अगर सांसद और विधायक के काम की बात करें तो सांसद विधायक का अपना एक दायरा होता है, अपना एक काम होता है, और जनसंपर्क अभियान एक अलग व्यवस्था है। संदेश यहाँ देना बहुत जरूरी है, जनों की बात करना बहुत जरूरी है। और तभी से सांसद विधायकों ने अगर यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि काम किया हो तो भाजपा अपने अभियान के लिए मंत्री न बुलाना पड़ता, तो भाजपा ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा कर रही है। इसके पहले भी तमाम तरह के मंत्री उत्तर प्रदेश में आते रहे, सभाएं करते रहे, अमित शाह कई बार आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आए। तो केवल यहाँ पर यह बात करना कि केवल अभियान के लिए यहाँ पर मंत्री को बुला रही है, हताशा है यहाँ पर कोई, केवल उनका ट्वीट है। बाकी अगर इस व्यवस्था की बात करें, समीकरण की बात करें या रणनीति की बात करें तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री भी आते रहते हैं, गृह मंत्री भी आते रहते हैं, समय समय पर जेपी नड्डा भी यहाँ पर आए और कार्यक्रम यहाँ होता रहता है। क्योंकि आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो भी वाराणसी है, यहाँ पर उनका समय समय पर आगमन होता रहता है। तो यहाँ पर अगर किसी मंत्री को बाहर से बुला रहा है तो कोई यहाँ पर नई बात नहीं है। बीजेपी अपनी रणनीति हिसाब से काम करती है और जनसंपर्क अभियान के लिए एक नए चेहरों को अगर बुलाना कोई मेरे ख्याल से एक नई रणनीति है उनकी है। और यहाँ पर चूंकि अखिलेश यादव विपक्ष में है, सपा प्रमुख है, वो समय समय पर अपना यहाँ रोष और विपक्ष जो अपना विरोध जो स्वर है वो जहाँ पर जारी करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, पर कहीं कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ पर अगर जनसंपर्क अभियान के लिए मंत्रियों को बुलाना जा रहा है तो उसके लिए नई कोई बात नहीं है। बीजेपी समय बुलाती रहती है। अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहाँ पर बीजेपी 80 सीट की बात कर रही है तो वहाँ अखिलेश यादव भी क्या कुछ अभियान चलाने जाएंगे ये भी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगा। गौरव, क्या अखिलेश डरे हुए हैं? जिस तरीके से भाजपा गांव-गांव जाकर ये अपना जनसंपर्क अभियान चलाएगी जिसको लेकर इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, यहाँ पर डरना और एक अलग बात अलग विषय पर यहाँ नंदिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम नहीं कर पाए उसको लेकर यहाँ पर कुंठा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीजेपी इससे पहले चौपाल कार्यक्रम भी रख चुकी है, उनके मंत्री द्वारा चौपाल कार्यक्रम होता था, उनके जो विधायक थे वो चौपाल कार्यक्रम के माध्यम जनता जुड़ते थे, गाँव गाँव जाते थे। तो चूंकि यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है वो गाँव से भी जाता है, गाँव के लोग बड़े बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हैं। अगर हम बात करें, आपने खुद देखा है अभी हाल में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां पर हमने देखा है कि जहां पर नगर निगम है वहां पर वोटिंग बड़ी कम हुई है, 36-40-45% वोटिंग हुई है, पर जहां पर नगर पंचायत है, जहां पर नगर पालिका है, वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो निश्चित रूप से यहां पर हम हमेशा देखते चले आ रहे हैं कि गांव से वोटिंग होती है, गांव के लोगों के बीच अगर आपने अपनी बातों को पहुंचा दिया, नीतियों को पहुंचा दिया, अपनी योजनाओं को पहुंचा दिया, उसका आपको लाभ मिलता है। और निश्चित रूप से बीजेपी इस व्यवस्था पर चल रही है, उम्मीद हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव भी इस व्यवस्था पर चलते नजर आ सकते हैं।
देखिए गौरव, लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन वहीं विपक्ष ट्वीट हमेशा करता है, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आते हैं अखिलेश यादव। देखिए ट्वीट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित रूप से नंदनी चर्चा विषय है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष यहाँ पर केवल ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर बातें करता है। अगर हम 2022 के चुनाव परिणाम की बात करें, 10 मार्च 2022 के चुनाव परिणाम आए थे, उसके 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री ने दूसरी बार अपने कार्यकाल की शपथ ली थी, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो ट्वीट तक सीमित हो गई है। अगर संघर्ष की बात करें तो संघर्ष केवल एक बार हमने देखा था, जब विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव अपने जो विधानसभा से अपने यहाँ तक मार्च किया था, उस समय उनका संघर्ष हुआ था। उसके बाद दूसरा उनका संघर्ष की बात करें तो जो उनका मनीष गगन अग्रवाल था, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उस समय हमने देखा था अखिलेश यादव पूरे अपने फौज के साथ सिग्नेचर बिल्डिंग को मुख्यालय को घेर लिया, पुलिस मुख्यालय को घेर लिया था। तो दो ही संघर्षों की बात करें, बाकी हम देख रहे हैं लगातार कि ट्वीट की राजनीति ज्यादा हो रही है। अखिलेश यादव भी फिलहाल यहाँ पर निकाय चुनाव को भी इन्होंने बागावट दे दिया था एक प्रकार से, और वहां पर लगातार 24 की तैयारियों में लेकर लगे हुए हैं। वो मध्यप्रदेश भी जाते हैं, वो कलकत्ता भी जाते हैं, वो कर्नाटक भी जाते हैं, और फिलहाल 24 की तैयारी को लेकर यहाँ पर अपनी जो तैयारी है वो पुख्ता करते नजर आ रहा है। पर निश्चित रूप से यहाँ पर जो राजनीति है वो ट्वीट के माध्यम से नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से, बल्कि अब राजनीति के लिए, जनाधार के लिए आपको सड़क को उतरना होगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है। मायावती ने कहा कि संसद का निर्माण सरकार ने किया है, तो उसे ही इसका पूरा हक है कि वो उद्घाटन भी करे। वहीं उन्होंने इस समारोह में निमंत्रण भेजे जाने के लिए आभार जताया, लेकिन ये भी साफ किया कि वह इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगी। तो बता दें कि नए संसद भवन को लेकर सियासी संग्राम तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है, तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण किया है, तो पूरी हकदार है कि वो इसका उद्घाटन करे। बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष दो धड़ों में बढ़ चुका है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए संसद भवन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया है। उन्होंने इस उद्घाटन में बुलाए जाने को लेकर आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर सियासी संग्राम तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच मायावती ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन अगर सरकार करेगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, मायावती ने अपना पूरा पूरा समर्थन दे दिया है। तरीके से नए संसद भवन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था। देश की 19 राजनीतिक पार्टियों ने बाइकॉट किया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। वही मांग है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कराए। उन्होंने ट्वीट करके यह बताया है कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, ये बेहद ही अनुचित है। सरकार ने इस नए संसद भवन का निर्माण कराया है आजादी के बाद, यह पहला हाईटेक पार्लियामेंट हाउस देश को मिलने वाला है। और देखा जाए कि अगर सरकार इसका उद्घाटन करती है, देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करती है, कोई भी अनुचित चीज नहीं है। जिसने इसको बनाया है अगर वो उद्घाटन कर रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। वही तमाम राजनीतिक बड़ा हुआ है लगातार बसपा सुप्रीमो को मायावती अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिंदा रखने के लिए मेहनत कर रही है। लगातार समीक्षा बैठकें चल रही है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो 5-6 दिनों देखो 3 समीक्षा बैठक बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा कर चुकी है और पार्टी को ग्राउंड लेवल पे मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रही है। अगर देखा जाए तो अब तक
कुल 17 मित्र राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है भाजपा पार्टी का इस ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का। वही 19 की राजनीतिक दल जो है इसके विरोध में खड़े हुए हैं। मायावती ने एक बात और अपने ट्वीट में कहा है कि ये जो प्रेम है इस तरीके से सारे विपक्षी दल जो दिखा रहे हैं उस समय ये एकता क्यों नहीं दिखाई गई जब इतने पैदान से आने वाले किसी समाज के एक महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था उसके विरोध में लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए उस समय ये चीजें विपक्ष को नहीं दिखी। इन सब बातों को ट्वीट करते हुए मायावती ने तमाम विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो नए संसद भवन को लेकर लगातार सियासी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। नए संसद भवन पर जहां 19 विपक्षी दल उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होंगे वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि सरकार ने अगर नए संसद भवन का निर्माण कराया है तो वो पूरी हकदार है कि इसका ही उद्घाटन सरकार ही करेगी। वहीं पर विपक्षी दलों में जहां एक तरफ एकजुटता दिखाई दे रही है वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका भरपूर समर्थन किया है। सहारनपुर वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देहरादून से रेल लेकर सहारनपुर पहुंचे। ट्रेन का नियमित संचालन 29 मई से शुरू हो जाएगा। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून से सहारनपुर स्टेशन पर उतरे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस सौगात पर सहारनपुर की जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों ने इस कार्य की सराहना की है। सीएम योगी जी जो है वो मेरे साथ है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वो सहारनपुर को वंदे भारत ट्रेन दी है जो कि सहारनपुर को नहीं कभी मिल सकती थी। और हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर हैं उनका ये मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। नहीं कोई बात नहीं, लोगों को सुविधा चाहिए थी। नहीं नहीं 180 किलोमीटर पे ये ट्रेन चलती है और एक पानी की बूंद भी नहीं गिरती है। सहारनपुर को ये ट्रेन कभी और कोई पार्टी होती 20 साल की नहीं ले पाती। ये हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सीएम साहब है वो इतने अच्छे सीएम साहब है कि शायद उत्तर प्रदेश। तो सहारनपुर में वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिली है। 29 मई से सहारनपुर में वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है चलाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। तो सहारनपुर में वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिली है। आपको बता दें कि 29 मई से नियमित रूप से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव सक्सेना जुड़ेंगे। गौरव, सहारनपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सौगात मिला है, अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हुए थे जिनका भव्य स्वागत किया गया, और क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है वंदे भारत एक्सप्रेस अश्विनी वेलकम के द्वारा रेल मंत्री के द्वारा सुचारू की गई है, एक बहुत बेहतरीन सुविधा है। जैसे आनंद विहार से चलकर उत्तर प्रदेश से होकर उत्तराखंड जाएगी और जिस तरीके से लोगों को जो कुछ ही घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में करने को मिलेगा और जैसी उसमें सुविधा होगी उसी के अनुरूप सभी वर्गों के हिसाब से उसका बजट रहेगा। गौरव, देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका भव्य स्वागत किया गया। सहारनपुर में किस तरीके का माहौल देखा गया इस ट्रेन को लेकर? देखिए ये ट्रेन काफी समय से और कहीं क्षेत्रों में भी कहीं राज्यों में भी संचालित थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये पहली बार इस तरह की बहुत बड़ी उपलब्धि रेलवे को अश्विनी वैष्णव के तक प्रयासों के अकॉर्डिंग मिली है और जिस तरह से लगता है कि शायद इस तरह से रेल व्यवस्था भी ज्यादा से ज्यादा सुधार आएगा और व्यवस्था उत्तम दिखाई पड़ेगी। गौरव, आम जनमानस को इससे कितनी सुविधा मिलने वाली है? देखिए आम जनमानस की अगर हम बात करें तो ये व्यापारिक वर्ग के लिए खासकर कारगर साबित होगी। जो लोग आनंद विहार से दिल्ली वगैरह जाते हैं उनके आने जाने के लिए काफी सुविधा देखने को मिलेगी। जो कुछ ही घंटों का सफर कुछ ही पलों में इस ट्रेन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव।
लाउड स्पीकर हटाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाने पर दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के सिलसिले में जब सरकारी गाइडलाइन जारी हुई थी, तब से जितने भी दरगाह या मदरसे हैं वहां सभी सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और कहीं से भी लाउड स्पीकर को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। सब सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जा रहा है। देखिए, लाउड स्पीकर के सिलसिले में जब सरकारी गाइडलाइन जारी हुई है, तो तब से जितने भी मदारिस हैं या दरगाहें हैं या खानकाहें हैं, वो तमाम सरकारी गाइडलाइन को का पालन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मस्जिद से या किसी भी दरगाह से या किसी भी खानकाह से इस तरीके की कोई शिकायत आ रही है कि वहाँ पर लाउड स्पीकर के नॉर्म्स का, उनके कानून और उसूल का पालन नहीं किया जा रहा है। जो डिसेबल सरकार के या आला अधिकारियों की जानिब से तय किया गया है, उसी के मुताबिक मसाजिद में और दरगाहों में उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। और अगर कहीं इस तरीके की कोई बात आ भी रही है, तो यकीनी तौर पर वहाँ के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश है कि जो भी मानक और जो भी उसूल लाउड स्पीकर के ताल्लुक से हुकूमत उत्तर प्रदेश ने तय किए हैं, उन मानकों और उन गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं इस इवेंट में परफॉर्म करने आए सभी प्लेबैक सिंगर और परफॉर्मर कैलाश खेर ने आयोजकों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कैलाश खेर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लॉन्च इवेंट में अपने कुछ सबसे स्पेशल नंबर्स पर परफॉर्म किया था। हालांकि आयोजकों पर सिंगर के भड़कने के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे आयोजकों पर खराब व्यवहार का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में कैलाश को मन से माइक पर कहते सुना जा सकता है कि होशियारी दिखा रहे हो, पहले तमीज सीखो, एक घंटा हमको इंतजार कराया, क्या ये खेलो इंडिया किसी को काम करना आता नहीं है, बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए ये सब। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ेंगे। विवेक, खेलो इंडिया गेम्स में जहां कैलाश खेर पहुंचे, वहीं पर देखा जा रहा है कि एक इंटरनेट पर उनकी वीडियो वायरल हो रही, जिसमें वो अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में तीसरी बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ और 25 मई से 3 जून तक ये यूनिवर्सिटी गेम्स होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 4 महानगरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में ये आयोजन होने हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां पे भी एक इवेंट का आयोजन किया जाएगा। कुल 15 इवेंट स्थल जो है इस आयोजन के लिए बने हुए हैं। कल ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़ के किया था और वही केंद्रीय मंत्री सूचना मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और तमाम बड़े पदाधिकारी, नवनीत सहगल से लेके आरके सिंह जो खेल महानिदेशक है, इन सब की उपस्थिति रही थी। और कल जो है वो शाम 7 बजे इसकी ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई। ऐसे में ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए तमाम गायकों को बुलाया जाता है। ऐसे में कैलाश खेर, जो जाने माने एक गायक है, वो परफॉर्म करने के लिए आए थे, लेकिन उनको आयोजकों की खरी खोटी कैलाश खेर की सुननी पड़ी। उन्होंने साफ तौर पर, जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, कहा गया है कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एक घंटे तक उनको इंतजार कराया गया, इस तरीके की अव्यवस्थाएं हुई। तो आयोजकों को जो है काफी कुछ कैलाश खेर से भरे मन से सुनना पड़ा था और जिस तरीके से उन्होंने भरे मन से ये कहा था कि प्रधानमंत्री के नवरत्नों में वो शामिल है और जिस प्रकार से एक घंटे तक उनको वेट कराया गया, ये तरीका अच्छा नहीं है। लखनऊ को तहजीब की सीख जो है कैलाश खेर ने अपने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। विवेक, मैनेजमेंट में और किस तरीके से गड़बड़ियां पाई गई, जैसे कि कैलाश खेर ने जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से उनको खरी खोटी सुनाई? देखिए, अभी तक यही एक मामला सामने आया है कि कैलाश खेर को अपने परफॉर्मेंस के लिए तकरीबन एक घंटे से ज्यादा का
वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और जिस तरीके से जहाँ तक जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड सिंगर्स हैं, इनकी कई जगहों पे जो है प्रोग्राम लगे होते हैं, ऐसे में एक डेढ़ घंटे का लेट होगा तो अपने गंतव्य स्थान पर देर में पहुंचेंगे। अगर कहीं उनका और भी कार्यक्रम रहा होगा तो जो कार्यक्रम का आयोजन रहा होगा उसको काफी नुकसान जो है उठाना पड़ सकता होगा। ऐसे में लखनऊ को तहजीब की सीख देते हुए आयोजकों को करारा जवाब कैलाश खेर ने दिया है कि ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। रायबरेली में दर्जनों ग्रामीणों ने बीजेपी नेता पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि बीजेपी नेता ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर उनके द्वारा निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। यह ऊंचाहर तहसील का मामला है, ये गांव है सावापुर नेवादा। यहां पे जो है, जो वहां का भाजपा नेता है अबलाक चंद कौशल, ये बहुत बड़ा भूमाफिया है और अपने रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता जो वहाँ का स्थानीय लेखपाल है उससे सांठ गांठ करके वहाँ की ऊसर जमीन, आबादी की जमीन, बंजर जमीन, तालाब की जमीन, यहाँ तक कि वहाँ पे जो अनुसूचित जात दलितों को जो पट्टा दिया था सरकार ने, उन पट्टे की जमीन पे भी वो कब्जा कर रहा है। तो आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम यहाँ पे क्योंकि वहाँ ऊंचाहर तहसील पे कई प्रार्थना पत्र इन ग्रामीण रायबरेली में एसपी के आदेश के बाद भी पीड़िता महिला का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक महिला को बुरी तरीके से पीटने का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बहू को सास, ननद और जेठ ने बुरी तरीके से पीटा था। वायरल वीडियो के तहत एसपी ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने को लेकर आदेश भी जारी किया, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। सर, मामला ये है कि हमारे घर में 17 तारीख को लड़ाई हुई थी। जेठ मारे, जेठान, सास, नन सब लोग मिलकर के हमको अकेला पाकर के मारे। जो वही वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, उसके बावजूद भी मैं थाने 2-3 दिन से दौड़ रही हूँ, मेरी FIR कोई दर्ज नहीं हुई है, मुझे FIR की कॉपी भी नहीं दे रहे हैं लोग। तो खबर मीडिया ने उसमें कहा कि जो है SP के आदेश हुए थे कि मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा था आदेश हुआ है, लेकिन हम 2 दिन से दौड़ रहे हैं, मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली, तो मैं कैसे मान लूँ कि FIR दर्ज है। प्रभारी शहर कोतवाली प्रभारी जी का क्या कहना है? उनका कहना है हम देख रहे हैं, आज 3 दिन से वो यही हमसे बात कर रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अभी तक क्या हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरदोई के अटवा आसी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी जिसमें ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई और कार सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ASP पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि जगदीशपुर गांव के पास बाइक सवार एक युवक अपने मामा के घर जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक आवारा जानवर आ गया और युवक उससे टकरा गया जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोग उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसका एक्सीडेंट हुआ है? दरोगा साहब ने बताया कि लील घास से हुआ है। किसका एक्सीडेंट हुआ है? हमारा लड़का है। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? हेमंत की उम्र 16 साल। तो क्या एक्सीडेंट में क्या हुआ बच्चे का? एक्सपायर हो चुका। एक हेमंत कुमार 16 साल का बच्चा लाया गया था जो उसके फादर के द्वारा लाया गया था। ये रहने वाला समरिया पूर्वा का रहने वाला, थाना मिल एरिया का रहने वाला। बाकी इसको एग्जामिन करने में मृत अवस्था में लाया गया था। जिसको एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने की वजह से मृत हो गया था ऑन द स्पॉट। बाकी बॉडी को मृत घोषित करने के बाद से बॉडी को मर्चरी में रख दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस